बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच जो हैं फ़कीर चंद चिन्याल जी, मुझे आज ये होली के पावन अवसर पर इन मुलाकात हुई, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रा फ़कीर चंद चिन्याल जी से मिलवाना चाहता हूँ और वो अपनी दो बात हमारे साथ रखेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ़कीर चंद चिन्याल जी। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी जो बात है वो थोड़ा कुमाऊनी में हो दादा। बहुत नमस्ते दादा, और क्या सभी भाई बहन नमस्ते। मेरो उत्तराखंड मेर पहाड़ हमर भाषा हमर पहचान। मैं अपन भाषा के एक बहुत मेहनत कर भी अपन भाषा के हकील पहुँचने लीजिए। बहुत कोशिश हम गीता माध्यम संगीत में पिरोई और वो प्यार मोहब्बत सब मेर उत्तराखंड भाई बहन दे में के मैं बहुत बहुत आभार करनू। मैं पूरे उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र और खासतर मैं अपने कलाकार ने बहुत बहुत आर्थिक आभार करने की उन्हें हमारे क्षेत्र बहुत अखिल बढ़ाया। हमारे कलाकारी लाइन बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट आज समय में हमार अखिल बेटी आनी तो हम उनके बहुत खुशी होने कि मेरे भाई बहनी इन्होंने हंसते खेलते काम करनी हमार कलाकारी लाइन में। मैं और ले कोशिश करूँ और या सभी भाई लोग उनके कहन चाहूँ कि सब कोशिश करते हैं कि हमार भाषा हमार पहचान। दादा मैं एक कुछ तुम्हें एक आग्रह करना चाहूँ कि आज होली पावन शुभ अवसर छो, तो ऊपर अगर हमको दी लाइन अगर तुम कोई मतलब यस होली संदेश देना चाह सा तो मैं बहुत बहुत आभार हो। बिल्कुल, संदेश है होली सात रंगों का त्यौहार है ना। खुशी गम ये तो जीवन में लगे रहता है हर किसी को। जो वक्त आता है वक्त के साथ रहना चाहिए सारे भाई बहनों को। अपने गांव में अपने इलाके में सारे मिलजुल करके सभी लोगों को होली बहुत अच्छी मनाने चाहिए है ना। कई होलियों में राधा कृष्ण की बातें रही हैं, उन्होंने प्यार मोहब्बत से अपनी हर कोई दिल की बातों को रखा है, हमने भी रखा है। तो कहते हैं थोड़ा सा एक सेकंड गुनगुना लिया जाए है ना। कहते हैं कि अगर हम देवी देवताओं को भी पहले होली से स्टार्ट करते हैं, होली आई रे मोई का मुहैना, होली आई रे मोई का मुहैना। बहुत ऐसी बातें हैं होली का जो त्यौहार है बहुत आदमी को एक खुशी का एहसास कराता है। आप लोग भी खुशी खेलें, मेरा सभी लोगों से संदेश है, सभी भाई बहनों से संदेश है। प्रताप दा आपका मैं बहुत बहुत आभार जतन करनूँ, और क्या आप लोग मेरे बीच में आते रह सा मेरे दिला बात में अपन अपन दिल में रख रख सा आगे पीछे मेर भाई बहन थे मेर मन बात पहुँचने कोशिश और निकलना और मैं ले तुम्हारे बीच में आते रहूँ। आज है आज हुई सबन का बहुत बहुत मुबारक दादा। ये तो तुम्हारा जो एक वो छो बड़ापन छो कि जो तुम हमको आपको दखड़ मतलब दखड़ में लिए चल था ये लीजिए कि मैं तुम्हारे लीजिए पूरा अपन उत्तराखंड तौर पर आभार व्यक्त करूँ कि और तुम हमें कोशिश करो कि तुम आप ये जो गीतक माध्यम लोगों को एकत्रित करना कोशिश करो सा, ये लीजिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करो, धन्यवाद। ये हमारे जो उत्तराखंड लोक गायक फ़कीर चंद चिन्याल जी हम बीच में से आयल और इन्होंने अपन थोड़ा बहुत टाइम में कहें निकाल पे दी। यल जी मैं फ़कीर दा आप बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद।